सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा मालदा जिला एक बेहद ही खूबसूरत जिला कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के पूरे लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मालदा जिले की हर छोटी बड़ी बातें जिससे शायद आप अभी तक अनजान थे जानने को मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे मौजूद इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आने वाले फ्यूचर में आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तीन हजार सात सौ तैंतीस वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए मालदा जिले का लगभग 492 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों, मालदा जिला उत्तर में बिहार और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण में मुर्शिदाबाद, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में झारखंड और बिहार से घिरा हुआ है। गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में प्रथम प्रवेश मालदा जिले के मानिकचक से ही हुआ है। बात अगर प्रशासनिक संरचना की करें तो मालदा जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंग्लिश बाजार है। मालदा जिले के अंतर्गत दो सब डिवीज़न आते हैं, चंचल और मालदा सदर। चंचल सब डिवीज़न के अंतर्गत छः ब्लॉक हैं, चंचल वन, चंचल टू, रतुआ वन, रतुआ टू, हरिश्चंद्रपुर वन और हरिश्चंद्रपुर टू, जबकि मालदा सदर सब डिवीज़न के अंतर्गत दो म्यूनिसिपैलिटी ओल्ड मालदा और इंग्लिश बाजार और नौ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक इंग्लिश बाजार, गजोल, हबीबपुर, कालियाचक वन, कालियाचक टू, कालियाचक थ्री, मानिकचक, ओल्ड मालदा और बामनगोला आते हैं। इसके अलावा मालदा जिले में 146 ग्राम पंचायत और 3701 गांव भी आते हैं। दोस्तों, मालदा जिला 165.5 किलोमीटर तक बांग्लादेश की सीमा को छूता है। 2011 के सेंसस के अनुसार मालदा जिले का टोटल पॉपुलेशन 39,88,845 है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन 20,51,541 और फीमेल पॉपुलेशन 19,37,304 है। वहीं बात अगर मालदा जिले के जनसंख्या घनत्व की करें तो मालदा जिले का जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, मालदा जिले का सेक्स रेशियो 944 महिला प्रति 1000 पुरुष है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो मालदा जिले में मुस्लिम 51.27%, हिंदू 47.99% और अन्य धर्म के 0.74% लोग रहते हैं। दोस्तों, मालदा जिले का लिटरेसी रेट 61.73% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 66.24% और फीमेल लिटरेसी रेट 56.96% है। पढ़ाई के लिए मालदा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां स्कूलों में रामकृष्ण मिशन स्कूल, उषा मार्टिन स्कूल, मालदा गर्ल्स हाई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, संत जेवियर्स स्कूल, मालदा रेलवे हाई स्कूल, मणिकोरा हाई स्कूल, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, बार्लो गर्ल्स हाई स्कूल, संत देव्या हाई स्कूल, इमैनुएल इंग्लिश स्कूल, जबकि कॉलेजों में मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मालदा कॉलेज, मालदा वीमेंस कॉलेज, गौर महाविद्यालय, मानिकचक कॉलेज, समसी कॉलेज, चंचल कॉलेज, गजोल महाविद्यालय, हरिश्चंद्रपुर कॉलेज, कालियाचक कॉलेज, पकुआहाट डिग्री कॉलेज, साउथ मालदा कॉलेज, मालदा पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंग जैसे लाजवाब शैक्षणिक संस्थान यहाँ के विद्यार्थियों के भविष्य संरचना में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो मालदा जिले में मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्लो नर्सिंग होम, दिशारी हेल्थ पॉइंट और इसी तरह के अनेकों प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पीएचसी और सीएचसी शुमार हैं।
दोस्तों मालदा जिले में घूमने के लिए आप मालदा संग्रहालय, गौर, लुकोचोरी गेट, माजोहरा मंदिर और राम केली जैसे स्थानों पर जा सकते हैं। मालदा तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे 131 इस जिले से होकर गुजरती है, वहीं रेल मार्ग में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मालदा जिले में बोले जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाओं में बंगाली, हिंदी और उर्दू मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। बात अगर इकोनॉमी की करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 347 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित मालदा जिला आम, जूट और कॉटन के लिए जाना जाता है, जिसमें खासकर यहाँ के आम पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मालदा जिला प्रीमियम क्वालिटी जूट के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में नंबर वन पर है। दोस्तों मालदा जिले के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और उससे संबंधित काम है। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदा जिले का पर कैपिटा इनकम 50,942 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। 2018 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार मालदा जिले का क्राइम रेट 167.87 है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का मालदा जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।